का धन्यवाद करते हैं। पहला कलमा जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे होके बोला, लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये वर्डिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह के साथ जो काम उन लोगों ने किया वो बद से बदतर बहुत इंसल्टफुल था, जैसे कि लिखा हुआ है। हम देखते हैं मत्ती 27 में, 27:27 के अंदर कि यीशु मसीह ने क्रूस पे ये कलमा क्यों कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। मत्ती 27:27 में इस तरह से लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। तब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसको कपड़े पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। तो यीशु मसीह ने ये इसलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया, जैसे लिखा है, तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। तो जैसे कि हम देखते हैं, अगर किसी मनुष्य को, जैसे आज इस संसार में चलते, अगर किसी की इंसल्ट की जाए तो कई लोग तो उसका मुंह काला कर देते हैं, गधे पे बिठा के उसका छलूस निकालते हैं। वैसे ही यीशु मसीह को यहाँ पर उसके कपड़े उतार कर उसको नंगा कर सिर्फ अंगोछा पहनाकर बागा पहनाकर उसको सारे रास्ते लेके चले गए, घुमाया और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। कांटों का मुकुट ऐसा उन्होंने गूंधा कि जिससे यीशु मसीह को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, कि ऐसा गूंधना है कि उसको इतना पेन हो, इतना दर्द हो कि ये भूल जाए कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। परमेश्वर का पुत्र कहना यहूदियों में परमेश्वर की इंसल्ट माना गया। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। जो सरकंडा था उसको उस सरकंडे से बार बार उसके सर पे भी मार रहे थे, उसका इंसल्ट कर रहे थे, उसका निरादर कर रहे थे और बार बार उस सरकंडे से उसको छेड़ रहे थे और उसके आगे बहुत मजाक कर रहे थे, उसकी खिल्लियां उड़ा रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे उसके आगे और कह रहे थे, यहूदियों के राजा नमस्कार। उसका राजा होने का अपमान कर रहे थे, जबकि यीशु मसीह ने पहले ही हेरोदेस को कह दिया था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं यहाँ का राजा नहीं, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, ये आप कहते हो आप कि मैं यहाँ का राजा हूँ। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वह उसका ठट्टा कर चुके तो वह भागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ यीशु मसीह ने ये वर्डिंग्स जो एक कलमा कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यीशु मसीह के साथ इन्होंने बहुत ही गंदा व्यवहार किया, बहुत ही बुरा व्यवहार किया। हम किसी मनुष्य के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते जो इन सब लोगों ने मनुष्य के पुत्र के साथ किया, जबकि उसके अचंभे के काम, चंगाइयों के काम, भले काम, दया के काम और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा दिखाए गए, फिर भी इन्होंने यीशु मसीह में बिलीव नहीं करा, विश्वास नहीं करा। यीशु मसीह इसलिए कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं।
यीशु मसीह ये और इसलिए कहता है क्योंकि यीशु मसीह के साथ इन्होंने बहुत बुराई की, क्योंकि यीशु मसीह जब पकड़वाया गया तो लोग इसका इनकार करते थे कि हम नहीं जानते ये कौन है। और दूसरा कलमा मैं पढ़ने जा रहा हूं, लिखा है तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये कौन व्यक्ति है? ये कौन व्यक्ति है? ये लिखा हुआ है, हम देखते हैं लूका 23:39 तो जैसे लिखा हुआ है कि जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? वो यीशु मसीह की निंदा कह रहा है, उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, क्या तू मसीह नहीं? जबकि हर एक मनुष्य और हर एक गली का, मोहल्ले का हर एक जन कहता है कि तू मसीह है, तू मसीह है, तूने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। और यहाँ पे वो कुकर्मी भी यही कह रहा है, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा, अपने आप को और हमें बचा ले। लेकिन यीशु मसीह अपनी महिमा में आने के लिए ये बलिदान हम मनुष्य के लिए, हर एक इंसान के लिए करना चाहता था। जिस प्रकार पतरस ने कहा था कि हे प्रभु, ये कभी नहीं होगा, तू कभी नहीं मरेगा, तू कभी नहीं हमें छोड़कर जाएगा, तब यीशु ने कहा, हे शैतान, चुप रह। ये होना अवश्य है क्योंकि ये परमेश्वर पिता की आज्ञा है, जो यीशु मसीह भी नहीं टाल सकते। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लिखा गया वहां पर, स्वर्ग दूतों के द्वारा बोला गया कि परमेश्वर का आत्मा तेरे गर्भ का फल होगा, परमेश्वर का आत्मा तेरे पेट से जन्मेगा, जिसका नाम मसीह होगा। परमेश्वर का आत्मा, ये सिर्फ परमेश्वर की ही इच्छा है कि मसीह इस धरती पर आए और इस सारे जगत के पापों को अपने साथ उस क्रूस पे ले जाए, उस क्रूस की मौत को स्वीकार कर ले। क्योंकि उस रात जो हमारी बीती रात है, जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाया गया, तब भी बाइबल में लिखा है कि वो कटोरा जिसे कोई नहीं पी सकता, यीशु मसीह ने भी बार बार, तीन बार प्रेयर करके पिता से कहा, पिता अगर तू चाहे, अगर तेरी इच्छा हो तो ये कटोरा मुझ पर से डाल दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर तेरी मंजूरी पूरी हो, तेरी हुजूरी जो तूने मेरे लिए की है, तेरी हुजूरी मेरे द्वारा पूरी हो, तेरी महिमा मेरे द्वारा हो। इसलिए यीशु मसीह ने इस क्रूस की मौत को सह लिया, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए, इस हर एक पृथ्वी के मानव जाति के पापों के लिए, ताकि हम उस क्रूस के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा जो क्रूस यीशु मसीह ने कहा कि आप सब, हर एक मसीह, हर एक विश्वासी अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे हो ले, क्योंकि वो क्रूस की मौत ही हमारे लिए उद्धार का कारण है, उद्धार का वसीला है, हमारे लिए छुटकारा वही क्रूस है जहाँ यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे गुनाहों को, कुकर्म को, गलती को, व्यभिचार, जितने भी हमने गलतियां की हैं, हर एक गलती हमसे ज़्यादा परमेश्वर के पास लिखित में है। परमेश्वर ने सारी की सारी वो गलतियां हमारी इस क्रूस पे, उस क्रॉस पे यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कर दी, क्योंकि वो सारा पाप जो हम मनुष्यों ने किया है, एक एक पाप, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो गुनाह हमारा है, वो सब यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ले लिया। ताकि बाइबल भी बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया हमारे मानव जाति के लिए, हम मनुष्य के लिए, ताकि जो कोई उस मनुष्य, उस यीशु मसीह पे, जो मनुष्य का पुत्र इस धरती पर बनकर आया, उस यीशु मसीह पे जो कोई विश्वास करे, वह नाश ना हो, नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन भी मैं ही हूँ, हर चीज जो जीवन तक पहुंचाती है बिना मेरे द्वारा तुम नहीं ले सकते, क्योंकि हम जो कुछ भी मांगते हैं पिता से, परमेश्वर से, वो यीशु मसीह के जरिए ही मांगते हैं। यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने साफ कहा है अपने चेलों से कि तुम मुझसे हटकर कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, हम यीशु मसीह से हटके कुछ नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह से हटके अपने बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं पा सकते, हम यीशु मसीह से हटके अपने घर के अंदर उस कलेश से निजात नहीं पा सकते। यीशु मसीह में रहोगे
तो हर एक चीज, हर एक बुराई, हर एक कलेश से यीशु मसीह छुटकारा देता है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि तुम मुझसे हटके कुछ भी नहीं कर सकते, मुझ में बने रहोगे। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है और अधिक फल लाती है, जो मुझ में नहीं बनी रहती वो डाली काटी जाती है और आग में फेंकी जाती है। यीशु मसीह जीवन है और वो जीवन हम देखते हैं कि इस कलमे के द्वारा यीशु मसीह ने क्या उस कुकर्मी से कहा जो स्वर्ग के राज्य को यीशु मसीह जाता है, जो सिंहासन परमेश्वर का है, उस राज्य में प्रवेश करने के लिए उस कुकर्मी को क्या वायदा यीशु मसीह ने यहाँ किया, क्या कलमा यीशु मसीह ने यहाँ कहा कि जिस प्रकार लिखा है इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। दूसरे ने, यहाँ दो कुकर्मी थे, दो कुकर्मी, एक यीशु मसीह के दाएं और एक यीशु मसीह के बाएं ओर। सबसे पहले यीशु मसीह के बाएं ओर वाले ने कहा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ने उसकी निंदा करके, उन दो कुकर्मियों में से एक ने उसकी निंदा करके कहा कि तू अपने आप को भी बचा ले क्योंकि तू मसीह है और हमें भी बचा ले। तब दूसरे ने साफ साफ बढ़िया अच्छे शब्दों में, जो उस कुकर्मी को भी समझ आए और उस परमेश्वर को भी दिखाई दे कि सच्चा अंगीकार मृत्यु के फाटक में खड़ा होके भी, मृत्यु के सलीब पे लटका हुआ भी वो बंदा यहाँ पे कह रहा है कि इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा। पहले को डांट कर दूसरे ने कहा, जो पहला व्यक्ति यीशु मसीह की निंदा करते हुए बोल रहा था कि हमें भी बचा ले और खुद भी बच जा, इस पर दूसरे कुकर्मी ने पहले वाले को डांटा और कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता। यहाँ जितने खड़े हैं वो पिता परमेश्वर से डरते हैं, डर और भय मानते हैं। जितने यहूदी खड़े हैं और जितने अन्य जाति खड़े हैं वो सब परमेश्वर को मानने वाले हैं, परमेश्वर का डर भय रखने वाले हैं। यहाँ कह रहा है दूसरा कुकर्मी, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हमने तो गलत किया है, हम तो न्याय के अनुसार अच्छा दंड पा रहे हैं, न्याय के अनुसार हम सही सही हमारे साथ किया जा रहा है, क्योंकि हम कुकर्मी, हम पापी, हमने व्यभिचार किया है, हमने चोरी की है, डकैती डाली है, दूसरे की खुशियों पे नजरें डाली है, दूसरों की चुगली करी है, हमने निंदा करी है, हमने दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ा, गंदी नजरें डाली, हमने पाप से भरे हुए हैं, क्योंकि क्रूस की मृत्यु सिर्फ उसे ही मिलती है जिसपे सारा पाप लाद दिया जाए, जो पाप से भर जाए उसी को क्रूस की मृत्यु दी जाती है। यीशु मसीह को सबसे बड़े पाप के लिए क्रूस की मृत्यु दी, लेकिन वो यहूदी लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह को जान तो देनी थी उस क्रूस पे, लेकिन उस पाप के लिए नहीं जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र, वरन उस पाप के लिए जो मानव जाति ने किया था, हम सब ने किया था, हर एक मनुष्य ने किया था, हर एक इस धरती पर रहने वाले व्यक्ति ने किया था, उस पाप के लिए उस क्रूस की मृत्यु यीशु मसीह को स्वीकार करनी थी। क्योंकि हम जब देखते हैं नए नियम के अंदर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को जब फर्स्ट टाइम देखता है तो कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को, सारे जगत के गंदे कामों को उठा ले जाता है, हमारे सारे पापों को, हमारे सारे गलत कामों को, हमारी बुराइयों को, ये परमेश्वर का मेमना, ये परमेश्वर का पुत्र जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न है, परमेश्वर बहुत प्रसन्न है, ये परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों को उठा के उस क्रूस पे ले जाता है जहाँ सारे पापों की क्षमा इस मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह बनता है। और लिखा है हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इस धरती पर आके हमारे बुरे कामों को जिनका फल मृत्यु है, हमारी बुराइयों को, हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को, कुकर्मों को, बुराइयों को, जितना भी यहाँ घिनौना काम हम मनुष्य के अंदर था, मनुष्य ने किया था, वो सारा का सारा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और लिखा है क्योंकि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, ये फल जो वो क्रूस पे दो कुकर्मी लटके हुए थे,
वो ठीक ठीक फल पा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा कुकर्मी जो यहाँ अंगीकार कर रहे हैं अपने पापों का, क्योंकि जो मनुष्य अपने पापों का अंगीकार कर ले और यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करे, यीशु मसीह से निवेदन करे कि यीशु मसीह हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो इस कलमे के अनुसार यीशु मसीह उसे क्षमा करता है, इस कलमे के अनुसार उसे क्षमा करता है और उस व्यक्ति को अपने राज्य का अधिकारी होने को दे देता है, अपने राज्य, अपने स्वर्ग लोक, जहां परमेश्वर जिसके आगे हमेशा बढ़ाई, प्रशंसा, तारीफें चलती हैं, वो स्वर्ग का राज्य ऐसे कुकर्मियों के लिए है जो अपना मन फिरा लेते हैं बुराइयों से और अंगीकार कर लेते हैं कि हाँ पिता मैं पापी हूँ, मैंने ये काम गलत किया है, हमने पाप किया है और हमें सही सही सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी तूने हमें क्षमा कर दिया और हमारे पापों को उस क्रूस पे ले लिया। हमारा कोई सगा भाई बहन या कोई भी पड़ोसी हमारे पाप के लिए अपने आप को छोटी सी सजा भी नहीं दे सकता, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे इतने बड़े पापों के लिए, कुकर्मों के लिए, बुरे कामों के लिए, जिनका नतीजा बुरा था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर सलीब पे ले लिया, जिसकी सजा मौत है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप करोगे तो मृत्यु आएगी ही आएगी। जिस प्रकार यहाँ दूसरा कुकर्मी कह रहा है कि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, ये फल हमें भी मिलना चाहिए था, क्योंकि हम भी पापी थे, हम सब ने पाप किया है। बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं है, हम सब ने पाप किया है, हम सब अपने कामों का ठीक ठीक फल पा सकते थे अगर यीशु मसीह हमारे छुटकारा, हमारा निजात बनके इस धरती पर नहीं आता, परमेश्वर का मेमना जो बलिदान होना था वो नहीं आता, तो हमें भी यही मृत्यु मिलती, हमें भी यही सजा मिलती, हमें भी कोड़े मारे जाते, कीले गाड़ी जाती, या ज्यादा से ज्यादा आज के समय के अनुसार गोलियां मारी जाती या तलवार से घात किए जाते। उस समय पे यीशु मसीह को उस सबसे बड़े पाप की सजा, जिसको क्रूस पे लटकाया जाता था, क्योंकि वो सबसे बड़ी निंदा समझते थे, लेकिन सबसे बड़ी निंदा ये है कि तुमने परमेश्वर को नहीं जाना, तुमने परमेश्वर को नहीं जाना। जैसे तुम यहाँ पे आज अन्य जाति लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं वो दो कील ठोकी, तीन कील ठोकी और वो मर गया, लेकिन यीशु मसीह के बारे में अभी उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने समझा नहीं, क्योंकि उनको समझाने वाले नहीं मिले, मन फिराने वाला कोई उन पे गया नहीं, उनके पास प्रभु का सुसमाचार लेके गया नहीं। ऐसा सुसमाचार लेके जाओ, अपना क्रूज उठा के जाओ, तब परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा जो अन्य जाति हैं। यहां लिखा है कि हम अपने कामों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया, हमने किया अनुचित काम, हमने बुराइयां की, हमने पाप किया, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने क्या किया जो ये सजा पा रहा है? इसने भलाइयां की, इसने बीमारों को चंगा किया है, इसने गरीबों को शिफाएं दी हैं, अंधों को आंखें दी हैं, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी है, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी है, चलो मार्ग में चलो, मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने कहा कि अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और गरीबों को शुभ समाचार सुनाया जाता है, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। गरीबों के पास आज के समय में हर एक विश्वासी को, हर एक उस चुने हुए को, हर एक चर्च के पास्टर को जो संडे संडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे अपने चर्च के अंदर क्लासेस लेते हैं, अपना प्रचार संडे संडे करते हैं, और अन्य जातियों में या और बिलीवर्स में जो चर्च नहीं आ पाते, जिनके घरों में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके घर में आने जाने के लिए पैसे नहीं होते, चर्च नहीं आ पाते, ऐसे लोगों के पास बहुत कम पास्टर जाते हैं। जबकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि गरीबों को, लाचारों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आज जरूरी है कि हर एक मनुष्य को जो परमेश्वर की सेवा में उतरा है, हर एक जन को जरूरत है कि गरीबों को सुसमाचार सुनाए। चर्च नहीं आ पाते, उनके पास जाकर सुसमाचार सुनाए, उनके लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, इसने सब भलाई की है, मुर्दे जिलाए हैं। बाइबल में एक गरीब विधवा का बेटा, जो एक लौता बेटा था, वो मर गया था, लेकिन प्रभु ने उसको जिलाया। मिर्गी का एक जन था, वो उस मिर्गी सताती थी उसको, वो बीमारियां सताती थी,
लेकिन फिर भी यीशु मसीह यहाँ पर आता है और उसको मिर्गी की बीमारी से, उस मिर्गी की आत्मा से छुटकारा देता है। यीशु मसीह यहाँ ये भले काम करने के बाद ऐसी सजा पा रहा है, जहाँ ये दूसरा कुकर्मी यीशु मसीह की बड़ाई की प्रशंसा की बातें कर रहा है कि हम तो गलत काम करके गलत ये सही सजा पा रहे हैं, हमने बुराई की है, हमने कुकर्म किए हैं और हमें सही सही सजा मिली है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कौन सा गलत काम करके आया? यहाँ पर यीशु मसीह ने सारे भले काम तो किए हैं, मुर्दे जिलाए, गरीबों को सुसमाचार सुनाया, भूखों को खाना खिलाया जैसे बाइबल में लिखा है, 7,000 पुरुषों को, 5,000 पुरुषों बच्चों महिलाओं को, कितने कितने लोगों को खाना खिलाया, सबों को चंगाइयाँ दी, मुर्दे जिलाए, हर एक आदमी को इंसान को बताया कि मेरे पीछे हो लो तो तुम उद्धार पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जिस प्रकार इस कलमे में, इस दूसरे कलमे में लिखा हुआ है, आइए हम पढ़ते हैं। जब उसने कहा, किसने? उस कुकर्मी ने, उस दूसरे कुकर्मी ने जो ईमान लेकर आया उस यीशु पे, जो ईमान लेकर आया कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, जो ईमान लेकर आया कि इसने तो सारे ही भले काम किए थे, कहीं ना कहीं इस कुकर्मी ने चर्चा सुनी होगी, कहीं ना कहीं इस कुकर्मी ने भी यीशु मसीह के वो बड़े बड़े काम चिन्ह और चमत्कार देखे होंगे या उसकी चर्चा सुनी होगी। वहां लिखा है, वहां यीशु मसीह को वो बोलता है, क्रूस पे चढ़े चढ़े मौत के अंतिम पड़ाव पे यीशु मसीह के आगे अंगीकार कर लेता है कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ, मैं तेरे बड़े नाम की बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। और लिखा है उस कुकर्मी ने कहा, तब उसने कहा, हे यीशु, किससे कहा? यीशु से। आज हर एक पापी को, जिसको अब दिखता है कि हम पापी हैं, जिसको लगता है कहीं ना कहीं हमने बुराई की है, जिसको लगता है और दिखता है कि हमने सच में गलत काम किया है, और अगर तुम्हारे पास कोई, अगर तुम्हारा चाहने वाला या तुम्हारा जानकार सगा कोई विश्वासी भाई अगर तुमसे कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, ये घटी है, ये बुराई है, तो आप उसे एक्सेप्ट करें, निगलेक्ट ना करें, नज़रअंदाज ना करें, उसको आप स्वीकार करें कि सच में कुछ ना कुछ घटी है। क्योंकि इस कुकर्मी ने भी अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हम तो अपने कामों का गलत गलत अच्छा, जो हमने गलत गलत काम किए थे उसका अच्छा परिणाम भुगत रहे हैं, सही परिणाम भुगत रहे हैं, बढ़िया परिणाम भुगत रहे हैं, बढ़िया बात जो ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हमें यहाँ क्रूस पे छड़ा के मार डालना चाहते हैं, ये हम डिजर्व करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन यहाँ यीशु मसीह से ये कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो बिलीव कर चुका है यहाँ पर, वो बिलीव कर रहा है यहाँ पर, और अपने ही सामने उस यीशु मसीह उद्धारकर्ता को देख रहा है और कह रहा है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, यीशु मसीह से बात करनी है, यीशु मसीह को मुंह खोल के बोलो कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उस कुकर्मी, उस पापी ने यीशु मसीह से कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस पर उसने उससे कहा, इस पर यीशु ने उससे कहा, मसीह यीशु ने उस कुकर्मी से कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता, क्योंकि जो काम मैंने मनुष्य के आगे किए हैं वो मैंने छुपक के नहीं करे, वो मैंने अकेले में नहीं करे, सारे इसराइल में, सारे यहूदिया देश में और सारे के सारे यरूशलेम के गवाही है, गवाह हैं ये सारे कि मैंने भले काम इन सब के सामने किए हैं। इसलिए मैं आज तुझसे भी ये कहता हूँ कि मैं सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं सच कहता हूं, जितने भी पापी कुकर्मी, जितने भी व्यभिचारी, जिनके अंदर ये पाप है, ये गलती, ये गुनाह है, जो पापों से भरे हुए हैं, उन सब के लिए यीशु मसीह यहाँ निजात बनकर आया है। ये हमें अंगीकार करना है कि हम पापी हैं, और इस पापी मनुष्य के द्वारा, जैसे ये दूसरा कुकर्मी जो यहाँ लटकाया गया था, वो एक्सेप्ट करता है, अंगीकार करता है कि हम पापी हैं, और यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना।
और यीशु मसीह यहाँ वायदा करता है, मैं सच कहता हूँ तुझसे, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही स्वर्ग लोक में होगा। तो आज हमें भी ऐसे ही जिस प्रकार इसने अंगीकार किया है, हम भी इस कलमे से सीखें। ये जो दो कलमे आपके सामने मैंने पढ़े हैं, पहला जो था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आज हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि हमारे पाप, हमारे गलती गुनाहों के वजह से हम दोबारा क्रूस पे यीशु मसीह को चढ़ाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारे दोबारा से बुरे हो जाने से, तुम्हारे पुराने हो जाने से, कि तुमने दोबारा कोई बलिदान नहीं है तुम्हारे लिए। बाइबल बताती है कि अब कोई दोबारा दूसरा बलिदान नहीं है, क्योंकि बलिदान यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए, सारे जगत के लिए एक बार दे दिया है। अब यीशु मसीह आएगा तो अपनी महिमा में आएगा, अपने सारे कामों को पूरा करने के लिए आएगा, जो इस अंतिम समय के लिए यीशु मसीह ने जो छोड़ रखे हैं वो काम को पूरा करने आएगा। हम सारे विश्वासी, हम सब चुने हुए मसीहों को, हम यीशु मसीह पे जो बिलीव करते हैं, हम सबको यीशु मसीह अपने राज्य में ले जाएगा, उस वायदे के अनुसार, जिस वायदे के अनुसार इस पापी मनुष्य को यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वैसे ही हम सब मनुष्य जो यीशु पर ईमान लाते हैं, सच्चाई खराई से निष्कलंक होके, निष्पाप होके, हमें निष्कलंक रहना है, निष्पाप रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, जैसा मसीह का स्वभाव है, वैसा ही हर एक व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, कोई दोष ना लगा सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन दोनों कलमों के लिए, जो पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने इस मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए यीशु मसीह ने जो ये दो कलमे हमारे लिए बोले। और इसके बाद जो और कलमे हैं वो हमारे पास्टर साहब, हमारी आंटी जी हैं, वो बोलेंगी। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा इनको सामर्थ्य दे और इनको वर्ड बहुत आयत से यूज करे। यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में सबको आमीन। आमीन।